गुरुग्राम में एनएचडब्ल्यूसी ने 2 दिन के ग्लोबल इंडस्ट्रियल कन्वेंशन का आयोजन किया है। बीते 2 दिनों से यानी 29 व 30 अगस्त को गुरुग्राम में जीआईएस हाउस में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल की नेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री काउंसिल द्वारा गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सहयोग से चल रही भव्य ग्लोबल इंडस्ट्रियल कन्वेंशन से गुरुग्राम की तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशन उद्यमियों व व्यवसायियों ने भाग लिया और आयोजन में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ नए उद्योगों के अवसर व मौजूदा समय में आ रही औद्योगिक दिक्कतों के निवारण पर चर्चा भी की गई। इस आयोजन में स्पीकर्स के रूप में पधारे सिडबी के डिप्टी जनरल गुरुग्राम ब्रांच मैनेजर रवि किशोर व गारमेंट एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी अनिमेश सक्सेना, भारत की टॉप 3 शिपिंग कंपनियों में से एक एशिया शिपिंग कंपनी के कंट्री हेड डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर लॉजिस्टिक के नाम से विख्यात अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन रमेश अग्रवाल व देश की टॉप 10 कंपनीज में आने वाला नाम डोरसेट कंपनी के चेयरमैन रमेश बंसल, स्नाइडर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट केपी शर्मा, एक्सिस डाई की जेपनीज कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कमल तिवारी, पीएचडीसीसीआर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नवीन सेठ, गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की अध्यक्ष जगन्नाथ मंगला, मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष राजेश गुप्ता व गुरुग्राम की प्रमुख औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी ने इस आयोजन में अपनी उपस्थित उद्यमियों के उद्योगों को समझते हुए उन्हें नए औद्योगिक अवसरों पर चर्चा की और उन्हें और बेहतर किस प्रकार बनाया जा सके इसके लिए आवश्यक की जानकारी दी जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर जाएगा। इस आयोजन से जुड़े उद्यमियों को आयोजन में सम्मिलित सिडबी बैंक, IDFC बैंक, RBL बैंक, यूनियन बैंक, IIFL बैंक, RuPaisa.com के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कम ब्याज दर पर सब्सिडी युक्त ऋण संबंधी जानकारी व नए उद्योगों को स्थापित करने में बैंकों का महत्व व साथ ही उद्योगों को बढ़ाने के लिए बैंकिंग स्कीम की जानकारी दी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे निश्चित तौर पर उद्यमियों को बहुत लाभ मिलेगा। इस आयोजन में गुरुग्राम के कई नए उद्योगों को सभी के समक्ष अपने उत्पादों को दिखाने का मौका भी मिला जिनमें विशेषकर आधुनिक पावर टेक के दरेकर संजय चौहान ने उनकी कंपनी द्वारा प्लास्टिक रिमूव करके प्योरली SS बॉडी में बने अपने इंडस्ट्रियल कूलर्स दिखाए जिसने आयोजन में सभी उद्यमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो NSWC है गुंजन मेहता जी हैं उन्होंने ये बहुत ही बड़ा काम किया है। बड़ा काम इसलिए है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है गुड़गांव की, मानेसर की और बाकी भी जो लोग बेसिकली जो उन्होंने पैनल डिस्कशंस करे हैं, पैनल डिस्कशंस के अंदर जो इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्री से क्या क्या समस्याएं हैं उनके ऊपर पैनल डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर पैनल डिस्कशन हुआ, फिर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशंस हैं और इन सब के साथ उन्होंने लीगल लोगों को भी इन्वॉल्व करा इसके अंदर जो लॉयर्स आए वहाँ से। उसके बाद उन्होंने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, सिडवी है और इन सब इंस्टीट्यूशन को भी इन्वॉल्व करा। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट है ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है क्योंकि इसमें जो पैनल में जो लोग थे या जो ऑडियंस थे, डेलीगेट्स थे, वो सब अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट अब तक का जो मैंने देखा है उसमें। लेकिन तमाम जो इंडस्ट्री के लोग रहे हैं क्या कुछ उनको सीखने को मिला, आप यहाँ रहे आपने क्या कुछ नई जानकारी उनको बताई इस क्लिप के माध्यम? जी 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 जी, देखिए ऐसा है कि मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से हूँ, शिपिंग लॉजिस्टिक से हूँ। तो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का जब हमारा पैनल चल रहा था तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी जिसमें अग्रवाल साहब थे जो अग्रवाल पैकर्स मूवर्स के जो चेयरमैन हैं वो थे और एक एक्सपोर्टर हैं राव साहब वो थे। तो हम लोगों ने जो डिस्कस ये किया कि बेसिकली लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशन होता है और कैसे हम एजाइल तरीके से स्मूथ तरीके से सर्विस रेंडर कर सकते हैं कस्टमर को वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स में, वो सब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस इनके साथ शेयर किए उसमें। इस तरीके के जो कार्यक्रम गुंजन मेहता जी अपनी संस्था के माध्यम से या तमाम लोगों के साथ में चाहे GIA के माध्यम से हो तो कितना बदलाव इंडस्ट्री में आता है, क्या कुछ नया उनको सीखने को मिलता है, क्या कुछ डेवलपमेंट होता है? देखिए ऐसा है कि कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज पर बात कर रहे थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें नहीं पता कि लॉजिस्टिक्स में क्या होता है और लीगल क्या क्या इश्यूज आते हैं और पॉलिसीज क्या क्या हैं जिनको ये अवेल कर सकते हैं। फाइनेंशियल बैंक सी RBL था, है ना, सिडबी थी और भी लोग थे। NBC न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।